हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू विल बी फाइन डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो क्लास वी आर गोइंग टू रीड क्लास सिक्स इंग्लिश हनी शक्ल चैप्टर नंबर टू ओके एंड चैप्टर नेम इज़ हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर राइट सो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो क्लास में हम रिमेनिंग चैप्टर को पढ़ेंगे ठीक है जो चैप्टर बचा हुआ है उसको हम इस वीडियो क्लास में कवर करेंगे ओके एंड प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने रीड uh, किया था कि uh, गायों का झुंड इधर उधर भाग रहा था ठीक है uh, लोयन को देखकर राइट एंड बियर एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर लोयन को देखता है और वह भी घने जंगल में uh, भाग जाता है राइट एंड uh, इससे आगे रीड करेंगे हम इस वीडियो में सो वाच केयरफुली नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर ठीक है सेड ही टू द डॉग राइट बियर डॉग से कहता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ ओके इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स राइट right? यहाँ लॉयन है यहाँ शेर है जो जंगल के इस भाग में राज करता है राइट right? या रूल्स करता है दैट मीन्स वहाँ जंगल के इस भाग का राजा है ठीक है द लॉयन हुज ही राइट जब डॉग ने यहाँ सुना तो उसने पूछा द लॉयन हुज ही लॉयन वहाँ कौन है डोंट यू नो फिर बियर ने कहा डोंट यू नो आप नहीं जानते हैं ही इज द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ बीस्ट मींस जानवर होता है ठीक है ही इज द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ राइट वहां इस धरती पर सबसे ताकतवर जानवर है राइट वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू सॉरी गुड बाय टू यू राइट वेल well देन तब ठीक है आई विल से गुड बाय टू यू तब मैं आपको गुड बाय कहूँगा किसने कहा डॉग ने कहा भालू से ओके बियर आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ मुझे ऐसा मास्टर ऐसा मालिक चाहिए जो इस धरती पर सबसे ताकतवर हो राइट एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द ल लॉयन टू बी हिज मास्टर ठीक है और डॉग उस भालू को छोड़कर चला गया किसके पास लॉयन के पास, पास। यहाँ पूछने के लिए कि क्या आप मेरा मास्टर बनोगे या आप मेरे मास्टर बनोगे मेरे मालिक बनोगे द लॉयन एग्रीड टू इट ठीक है एंड लॉयन शेर एग्री हो गया वो तैयार हो गया राइट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम ठीक है और डॉग उसके पास रुक गया राइट और काफ़ी लंबे समय तक उसकी सेवा करी इट वॉज़ अ गुड लाइफ राइट उसके लाइफ बहुत ही अच्छे से कट रही थी किसकी डॉग की एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन ठीक है एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेंट ऑफ ठीक है और कंप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं था क्यों क्योंकि लॉयन उस जंगल में दूसरे जानवरों से सबसे ताकतवर था राइट एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ओफ हंड हिम इन एनी वे राइट डेयर डेयर्ड मीन्स होता है हिम्मत एंड ओफंड मीन्स होता है नाराज करना ठीक है और किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई भी उस डॉग को नाराज कर सके राइट या उसको परेशान कर सके क्यों क्योंकि उसका मालिक लॉयन था राइट नेक्स्ट बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड एलोंग अ पाथ दैट रैन अमिंड बेयर क्लिप्स वैन ऑल ऑफ अ सडन द लोयन स्टॉपड राइट बट वन डे लेकिन एक दिन द टू ऑफ देम दोनों दोनों कौन डॉग एंड एंड लोयन ठीक है दोनों वर वॉकिंग चल रहे थे या जा रहे थे साइड बाई साइड एलोंग द पार्क यानी कि रोड के दोनों तरफ दैट मीन्स रोड के एक तरफ लोयन एंड दूसरी तरफ डॉग ठीक है दोनों साथ साथ चल रहे थे या जा रहे थे दैट रेन अमिड बेयर क्लिफ कहाँ से पहाड़ियों के बीच से होकर वेन ऑल ऑफ अ फर्डन द लॉयन स्टॉप्ड और तभी लॉयन रुक गया और तभी अचानक लॉयन रुक गया ही गेव अ ग्रेट रोर वहां जोर जोर से वहां दहाड़ा ठीक है कौन लॉयन एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हीज पा और गुस्से से उसने अपने पा पाव मीनस होता है पंजा अपने पंजे को जोर से ग्राउंड पर मारा पटका विथ सच फोर्स दैट आ होल फॉर्मड देयर ठीक है और वहां अपने पंजे को गुस्से से इतने जोर से जमीन में मारा कि जमीन में निशान बन गया होल हो गया ठीक है देन ही बी टू बैक अवे वेरी क्वाइटली ठीक है और वहाँ फिर पीछे चुपचाप जाने लगा कौन लोयन वट इज इट मास्टर इज एनी थिंग रॉन्ग आस्कड द डॉग सरप्राइज ठीक है सॉरी सरप्राइज जब डॉग ने यहां देखा तो वहां सरप्राइज हो गया ठीक है और वहां और उसने शेर से पूछा लॉयन से पूछा वट इज इट मास्टर कि मास्टर यहाँ क्या है या क्या हुआ इज एनी थिंग क्या कुछ गलत हुआ है नेक्स्ट आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे ठीक है मुझे स्मेल आ रही है कि इस रास्ते से कोई आदमी आ रहा है या एक आदमी आ रहा है किसने कहा लोयन ने कहा ठीक है कि मैं स्मेल कर रहा हूँ कि इस रास्ते से या इस वे से एक आदमी आ रहा है द लोयन सेट लॉयन ने कहा वी हैड बेटर हमारे लिए अच्छा है रन फॉर इट कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए और वी विल बी इन ट्रॉबल नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे ट्रॉबल मीन्स होता है मुसीबत या संकट ठीक है लोयन ने कहा कि हमारे लिए यहाँ अच्छा है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए या हम यहाँ से चले जाएं नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे राइट लॉयन ने डॉग से कहा ओ oh हवेल well, देन आइल से गुड बाय टू यू अरे ठीक है तब मैं आपको गुड बाय कहूँगा ओके ओह वेल देन आइल से गुड बाय टू यू लोयन ठीक है तब डॉग ने लॉयन से कहा कि अरे ठीक है तब मैं आपको गुड बाय कहूँगा राइट आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉगर देन एनी वन ऑन अर्थ मुझे ऐसा मालिक चाहिए ऐसा मास्टर चाहिए जो इस अर्थ पर इस धरती पर सबसे ताकतवर हो राइट नेक्स्ट एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन ठीक है और डॉग ने उस लोइन का साथ छोड़ दिया और कहाँ चला गया उस आदमी को ज्वाइन करने के लिए राइट एंड ही स्टेड विथ हिम और वहाँ उस आदमी के साथ रुक गया एंड सर्व हिम फैत ठीक है और फैत दैट देट मीन्स ईमानदारी से और ईमानदारी से उसने उसकी सेवा करी किसने डॉग ने ठीक है वहाँ आदमी के पास गया राइट और उसने आदमी को अपना मालिक बना लिया अपना मास्टर बना लिया राइट और उसके पास रुक कर वहाँ ईमानदारी से उसकी सेवा करने लगा ठीक है दिस हैपन्ड लॉन्ग लॉन्ग एगो ठीक है और यहाँ बहुत पहले हुआ था बट टू दिस डे लेकिन आज द डग इज़ मेन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट ठीक है लेकिन आज डॉग आदमी का सबसे वफादार सर्वेंट है ठीक है एंड नोज नो अदर मास्टर ठीक है और इंसान के अलावा कोई दूसरा उसका मास्टर नहीं है राइट दैट मीन्स डॉग का कोई दूसरा मालिक इंसान के अलावा नहीं है राइट right? सो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से डॉग को उसका नया मास्टर या नया मालिक मिल गया ठीक है सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा राइट right? एंड इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा ठीक है वहाँ से आप देख लेना